गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून में तुम लोगों ने एग्जाम दिए थे, ठीक है। थ्योरीज के जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं, मोस्टली बच्चों के हो गए हैं। बट एक जो कॉमन प्रॉब्लम अभी तक आ रही है ना, वो है कि असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुए तुम लोगों के, काफी बच्चों के। तो उसी प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन लेके आई हूँ और इसी पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो भी उसी टॉपिक पर रहेगी कि असाइनमेंट के मार्क्स को हम अपडेट कैसे करवाएं और कैसे हो सकते हैं वो। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है तुम लोगों ने, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। चलो बात करते हैं। देखो करना क्या है तुमने, अगर अभी तक अपडेट नहीं हुए मार्क्स तो देखो, जैसे मैं तुम्हें हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर नहीं हुए तो अपने स्टडी सेंटर जाओ, वहाँ पे बात करो जाके अपने टीचर से करो, और वहाँ पे जो ऑफिशियल है, वहाँ के जो लोग ये सब संभालते हैं उनसे बात करो। तो वहाँ पे होगा क्या, अब तुम लोग ये सोचोगे ना कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे स्टडी सेंटर पे, लेकिन हम वहाँ पे करेंगे क्या? तो वहाँ जाके आपने बोलना है कि मैंने ये असाइनमेंट सबमिट किया था, अपनी स्लिप दिखा देना, और मेरे मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि ठीक है जाओ, जो भी तुम्हारे कंसर्न टीचर है उनका फोल्डर चेक कर लो। फोल्डर क्या होता है, ये वाले, ये जो अवार्ड लिस्ट होती है ना, मैं अपने वाला दिखा देती हूँ आज, ये होता है फोल्डर। फोल्डर मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम असाइनमेंट अगर चेक हो गए हैं तो वो इस तरह का फोल्डर बना के रख देंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको डिटेल्स नहीं दिखा सकती, ये प्राइवेट है, बट मैं बता देती हूँ कि इस तरह का फोल्डर होता है जिसमें तुम्हारी अवार्ड लिस्ट रखी होती है, ठीक है। तो वहां पे करना क्या है कि आपको जाके अपनी अवार्ड लिस्ट के लिए यू हैव टू आस्क फॉर योर अवार्ड लिस्ट। तो वो बोलेंगे कि ठीक है फोल्डर जाके चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने टीचर के पास जाएंगे, उनको अपनी डिटेल बता देना, तो वो करेंगे क्या, वो आपको इस तरह की ना एक अवार्ड लिस्ट बना के देंगे, देख रहे, ये वाली अवार्ड लिस्ट बनेगी। और इसमें वो करना क्या है, टीचर क्या करेगा उसके लिए आपका जैसे ये वाला पेपर होगा, इसको अवार्ड लिस्ट बोलते हैं, इसी में तुम लोगों के मार्क्स लगते हैं। असाइनमेंट जैसे होते हैं ना, मान लो 20 बच्चों की असाइनमेंट है तो 1 to 20 यहाँ पे 20 बच्चों की एंट्री जाएगी, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आएगा, यहाँ उनका नेम और यहाँ पे उनके मार्क्स होते हैं, नीचे टीचर के साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अवार्ड लिस्ट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग BDP के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर आपका BDP डाल देगा, ठीक है। BDP के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं मान लो BHIC, ठीक है, 133, इस तरह से 100 मार्क्स का आता है तुम्हारा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो आ जाएगा। फिर इसके बाद टीचर यहाँ आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर लिखेगा, यहाँ तुम्हारा नाम आ जाएगा और यहाँ तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आने के बाद नीचे क्या करेंगे, वो नीचे यहाँ पर अपने साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा तुम्हारा, तुम्हारे स्टडी सेंटर का, वो अपना साइन करेंगे, स्टैंप लगा देंगे, और ये वाली जो अवार्ड लिस्ट है ये तुम्हें दे देंगे, ठीक है। ये आप ले जाओ, कहाँ ले जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा अपने RC, जो जिस भी RC के अंडर तुमने अपने एग्जाम दिए थे या एडमिशन लिया था, वहां जाना है इसको लेके, ठीक है। और वहां जाओगे तो आपको डायरेक्टली ही आपका जो असाइनमेंट का मार्क्स है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर करना है आपने, मतलब ये वेट मत करना, या तो कुछ लोग बोलेंगे कि अभी आ जाएगा या ये कर लो वो कर लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मार्क्स अगर अभी तक अपडेट नहीं हुए, जरूर से ज्यादा टाइम हो चुका है तुम लोगों का और नहीं अभी तक अपडेट हो रहे हैं, और कुछ बच्चों को क्या होता है कि कहीं और भी एडमिशन लेना होता है या कुछ और अपनी जॉब के लिए या कुछ प्रमोशन के लिए कुछ करना पड़ता है, फॉर एवर मतलब दैट कैन बी एनी रीजन, तो उसके लिए आप ये अवार्ड लिस्ट लो और अपने रिजल्ट सेंटर जाके वहां पे वो बाई हैंड उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे। इतना हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे। फिर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि वो लोग स्टडी सेंटर पर जाते हैं, अपना मार्क्स अपडेट हो जाए इसी चीज के लिए, तो स्टडी सेंटर वाले ना कई बार मना कर देते हैं, मतलब जो तुम लोग स्लिप दिखाते हो उसके बाद भी वो लोग मना कर देते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, क्योंकि होता ही है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है या मिसप्लेस हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको उसके लिए दोबारा से असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी बोल देते हैं वो लोग। अगर इस चीज़ के लिए मना करेंगे ना तो वो ये बोलेंगे आपको कि आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो असाइनमेंट तुम लोग सबमिट करते हो ना बना के, उसकी एक PDF हमेशा एक्स्ट्रा अपने पास रखो,
क्योंकि असाइनमेंट सबमिट नहीं, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जा रहे हो अपना ये ओवर लिस्ट लेने के लिए, डुप्लीकेट ओवर लिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, और तुम्हारे जो वहाँ के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमने देखे, तुम्हें दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये बना के दे सकते हैं, ठीक है, ये वाली परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है कि मान लो आप लोग बना के भी दे देते हो, ठीक है, असाइनमेंट बना के दे दिया मान लो। एक दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने जून 2024 में एग्जाम तो दिया ही था और फाइनल ईयर के नहीं हो आप लोग, तो अभी आप ये सब मत करना, क्योंकि थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है इग्नू को असाइनमेंट मार्क अपडेट करने में, तो उसमें देखो इग्नू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिनका जो फाइनल ईयर नहीं है उनको जरूरत अभी नहीं है, अभी सर्टिफिकेट को किसी चीज़ में मान लो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक तो फाइनल ईयर कम्प्लीट ही नहीं हुआ, तो कई बार क्या होता है कि उनको ना अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग तो अभी करना मत, ठीक है। और अगर मान लो उनको देर से अपडेट भी करते हैं, तो अगर आपका फाइनल ईयर नहीं है तो मतलब थोड़ी टेंशन मत लेना, जिनका भी फाइनल ईयर है वो लोग जाओ उनसे बोलिए कि ये हमारे रीज़न है और हमें फॉर्म फिल करना है, हमको एडमिशन लेना है कहीं पर भी, तो अगर आप अपडेट नहीं करके दे रहे हैं तो आप मेरा अवार्ड लिस्ट देख लो, इस तरह का अवार्ड लिस्ट दिखा के दे देना और अवार्ड लिस्ट को ले जाना अपने रीजन सेंटर को, तो वो लोग आपको अपडेट करके दे देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, उनको बता देना कि मुझे फॉर्म फिल करना है या फर्दर जो भी आपने स्टडीज करनी है उसके लिए बोल देना, तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, आपको हाथों हाथ मतलब वहाँ पे सेम डे ही या फिर नेक्स्ट डे आपका जो है वो अपडेट करके दे देंगे, गॉट इट। अच्छा कुछ बच्चे ये भी बोल देते हैं कि स्टडी सेंटर वाले मना कर रहे हैं, देखो जब मना कर देते हैं ना वो लिस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो बोलते हैं कि चलो हमें मिल गया तो तुम लोग भी जाके देख लो, ये इस तरह की बातें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने स्टडी सेंटर जाओगे ना तो वो हमेशा हेल्प करते हैं, बस तुम अपने वो रिसिप्ट दिखा देना जो असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पे तुम लोग देते हो ना वो दिखा देना, और बस उसी के बेस पर आपका असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। अपडेट हो जाएंगे मतलब पहले तो अगर मान लो तुम लोगों के पास टाइम भी है ना कि ठीक है हम अपने स्टडी सेंटर चले गए, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुन लो कि तुम लोग मेरे कहने से ही मान लो कि भाई आप लोग स्टडी सेंटर चले गए कि हमें अपने मार्क्स देखने, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको फोल्डर दिखाएंगे, फोल्डर में भी नहीं मिला तो आप अपने रिसिप्ट दिखा देना कि असाइनमेंट हमने सबमिट किया था बट मार्क्स अभी तक लगे नहीं है, तो उसे क्या होगा कि वो ना कंसर्न टीचर को आपकी रिक्वेस्ट आगे कंसिडर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप ही जो वो फर्दर प्रोसेस होगा ना उसको वो लोग अपना प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते हो या वेट नहीं कर सकते हो और कुछ एमरजेंसी है आपको कि अवार्ड लिस्ट चाहिए ही, तो फिर आप ये अवार्ड लिस्ट बनवा के उनसे ये सारा वो टीचर आपका ये सब आपकी डिटेल यहाँ पे डाल के साइन स्टैम्प लगा के आपको दे देंगे, ये बना के उसको आपको जाना है रीजन सेंटर लेके, रीजन सेंटर जाओगे वो बाय हैंड ही आपको अपडेट करके दे देंगे, फिर कुछ दिनों बाद ही आपकी जो मार्कशीट होगी ना उसमें मार्क अपडेट होके आ जाएंगे, ठीक है, इतनी सी बात है। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो मैं बार बार बोलती हूँ कि स्टडी सेंटर जाओ वो मैं क्यों बोलती हूँ, तो वो इसीलिए बोलती हूँ कि वहाँ पे आपको ये वाला प्रोसीजर करना है, ठीक है, ये प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, बस, ठीक है, हैप्पी। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।